का आयोजन किया, विशेष रूप से शिमला में, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी स्वयं उपस्थित रहे, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी स्वयं उपस्थित रहे। शिमला के साथ साथ 10 जिला केंद्रों में 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने, सामान्य जन ने इन आक्रोश रैलियों में भाग लिया। और शिमला के आक्रोश रैली में हम सभी लोगों ने देखा भी होगा, रामपुर से, रोड़ू से महिलाएं यहां शिमला में गोबर लेकर के आई थी, दूध लेकर के आई थी, कि एक वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा था कि हम किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 80 रुपए किलो गाय का दूध। आक्रोश रैली में भाग लिया। और जहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए सरकारी गाड़ियों में धर्मशाला में लोगों को बुलाया, और भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैलियों में जितनी संख्या, जितनी लोग इन रैलियों में आए थे, उससे लगभग आधे लोग भी उनके उस जश्न में शामिल नहीं हुए। और हमने तो वहां से पत्रकारों के माध्यम से जो लाइव उस रैली का हम जो देख रहे थे, और मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो उस ग्राउंड की आधी कुर्सियां तो उस समय खाली हो गई थी। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के सामान्य जन में कितना आक्रोश है। और एक तरफ वो जश्न मना रहे थे, उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने के बाद भी लोग नहीं पहुंचते, उनके केंद्र के का नेतृत्व भी नहीं आता। और मुझे तो जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी शिमला में होने के बावजूद भी, उसके बारे में कि वो उनके जश्न में शामिल होगी, वो धर्मशाला नहीं गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं आए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस के कुशासन के कारण सामान्य जन निरुत्साहित हुआ है, विशेष रूप से महिलाओं को दी गई गारंटी, किसानों को दी गई गारंटी, और युवाओं को जो 1 लाख रोजगार देने का एक जो वायदा किया था पहली कैबिनेट में, ऐसे सभी गारंटियों को लेकर के प्रदेश भर में आज बहुत बड़े प्रदर्शन जिला केंद्रों में हुए हैं। और इसी तर्ज पर कल 11 दिसंबर को मंडी प्रशासनिक जिले का प्रदर्शन मंडी में है, और विधानसभा सेशन 19 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके एक दिन पूर्व 18 दिसंबर को धर्मशाला में बड़ा प्रदर्शन करने की हमारी योजना है। और इन प्रदर्शनों के माध्यम से नीचे सामान्य जन तक इस सरकार की, सामान्य जन के खिलाफ जो एक इन्होंने जो गारंटियां दी थी, सामान्य जन उसके कारण जो इनके खिलाफ एक माहौल बना है, उस माहौल को उजागर करते हुए इन सरकार के खिलाफ सामान्य जन को जन जागृत करते हुए इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इनके जश्न और भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रोश रैली है, इसमें लोगों का जब हम उत्साह देखते हैं, तो इनके जश्न में जो मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे, जो खाली कुर्सियां दिख रही थी, उसी से ध्यान में आता है कि प्रदेश की जनता इस सरकार से कितना दुखी है। मुझे आप लोगों से इस संबंध में आज इतनी बात करनी थी, और आप लोगों को इस संबंध में कोई प्रश्न करना है, कोई बात करनी है, तो आप लोग रख सकते हैं। आप सभी का